हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने भाई के चैनल लिनक्स किंग्स में। तो आज की वीडियो एफटीपी के ऊपर होने वाली है। मैं आपको बताऊंगा ये क्या काम आता है और हम इसको क्यों काम में लेते हैं, और इसका पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है हमारे यहाँ पे। आप तो मैं इसका बहुत ही इजी मेथड बताऊंगा, आप इसको आराम से समझ भी लोगे एक बार देखते हैं वीडियो को, वो मतलब अपना लैब भी कम्प्लीट कर लोगे आप। तो आपको बताता हूँ ये क्या है। FTP की फुल फॉर्म क्या होती है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये आप नाम सुन के समझ गए होंगे कि ये क्यों काम में आती है, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। ओके, तो अब आप ये पूछोगे फाइल तो हम बहुत से मेथड से शेयर कर सकते हैं, लेकिन इसको क्यों काम में लेते हैं? पेन ड्राइव, CD, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी वगैरह जो भी है, इनसे बहुत से मेथड है फाइल शेयर करने के, हम इसको क्यों काम में लेते हैं? जैसे कि मान लो, अब मैं ये बताता हूँ हम क्यों काम में लेते हैं FTP को। जैसे कि मेरे पास एक मैंने वेबसाइट बनाई है मैन्युअली। अब वेबसाइट अपन अपने लैपटॉप से इससे तो मतलब होस्ट कर नहीं सकते। होस्ट करने के लिए हमें एक सर्वर की जरूरत पड़ती है। अब मान लो मेरा सर्वर कहीं बाहर है, तो अब ये तो है नहीं कि मैं उसको पेन ड्राइव से शेयर कर दूंगा लेके फाइल बार बार में, तो ऐसा नहीं होता ना, इसलिए हम FTP सर्वर का यूज करते हैं। ओके, तो अब हम इसमें थोड़ा लैब करके देख लेते हैं FTP कैसे क्या वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ मेरा, और टर्मिनल में हम कमांड डालेंगे, हमें इसके जो पैकेज है इंस्टॉल करना पड़ेगा FTP का। तो मैं यहाँ पे कमांड डालता हूँ yum install bsftpd, स्टार डाल देंगे जिससे सभी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएंगी साथ में। तो ये हमारा भी पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, ये कंप्लीट हो गया। ओके, तो अब हम चलते हैं इसकी एक बार सर्विस रीस्टार्ट कर लेते हैं। VSPD मैंने इसलिए डाला था क्योंकि वेरी सिक्योर FTP सर्वर, ठीक है। तो अब हम इसकी सर्विस रिस्टार्ट कर लेते हैं। VSFTPD रिस्टार्ट। ओके, इसकी सर्विस रिस्टार्ट हो गई है। इसकी बाय डिफॉल्ट फाइल होती है CD var FTP, एंटर प्रेस करेंगे तो हम आ गए FTP में। अब हम यहाँ पे जो भी फाइल बनाएंगे ना वो हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये मान लो मेरा सर्वर है, मैंने रेड हैट को मेरा सर्वर माना है, ठीक है। और हमारा FTP कहाँ पे कॉन्फ़िग है? हमारे सर्वर पे। तो यहाँ पे मैं जो फाइल डालूंगा ना FTP फोल्डर में, वो हमारे क्लाइंट को दिखेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ, टच के मदद से फाइल बना लूंगा मैं यहाँ पे, ए से लेके जेड तक फाइल बना लेता हूँ। मान लो मैं .exe एक्सटेंशन देके बना लूंगा, PDF वगैरह आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, .txt वगैरह। और हम ls करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे फाइल बन चुकी है। ओके, तो अब यहाँ का काम हो गया खत्म। मैं एक बार इसकी सर्विस रिस्टार्ट दोबारा कर देता हूँ। आप अपर जो की है ना उसको दबा के पहले वाली कमांड निकाल सकते हैं, तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ और मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा सर्विस को रिस्टार्ट करने के लिए। ओके, तो अब हम चलते हैं विंडो पे। विंडो पे हम ओपन करते हैं ब्राउजर हमारा, और यहाँ पे डालते हैं FTP/, मैंने उसकी IP नहीं चेक की, IP क्या थी मैं वो देख लेता हूँ। यहाँ पे डालूंगा इफ 192.168.1.6, तो यहाँ पे मैं वो IP डाल दूंगा मेरे ब्राउजर में 192.168.1.6, एंटर प्रेस कर दूंगा। यहाँ पे शायद फायरवॉल का कुछ इश्यू आ रहा है, तो शायद ये ओपन नहीं हो रही है यहाँ पे। मैं एक बार दूसरे ब्राउजर में ट्राई कर लेता हूँ, FTP 192.168.1.6। यहाँ पे भी ओपन नहीं हो रही, रुको एक सेकंड, मैं इसके फायरवॉल वगैरह चेक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे IP टेबल्स कैपिटल F, इससे हम इसका फायरवॉल ऑफ कर देंगे। 7.4.0, और अब हम चेक करते हैं, शायद अब ये वर्क कर जाए। तो आप देख सकते हैं अब ये वर्क कर रही है। तो हम FTP को कुछ इस तरह से यूज लेते हैं, हम यहाँ पे जो भी क्लिक करेंगे जिस पे भी वो फाइल यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा FTP कुछ वर्क करता है।
तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।